गोवर्धन कस्बे में बल्ली पूजन कर गणेश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें अद्भुत झांकियों के साथ इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ यात्रा में अद्भुत झांकियां सभी दर्शकों को अपनी ओर खींचती हुई या कहें कि आकर्षित करती हुई नजर आ रही थी। वहीं झांकी में विराजमान सियाराम बाबा संत सभी दर्शकों को अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आए। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गौतम खंडेलवाल समाज से भी अपनी पत्नी के साथ शिव पार्वती के रूप में पहली बार नजर आए। आज से रामलीला का शुभारंभ किया गया। यह रामलीला कई वर्षों से यूं ही चली आ रही है, मगर पूर्ण के चलते इन विगत वर्ष स्थगित कर दी गया था। आप प्रशासन की मंजूरी लेकर इनका शुभारंभ किया जा रहा है। जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको एक गोवर्धन का जिम्मेदारी दी गई है, आप युवाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत बनेंगे? हम युवाओं को सभी अपने पूरे मंडल के युवाओं को हम संगठित करके सभी को अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा कार्य करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ करके अपनी भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में 350 से पार की बार सीटें दिलाएंगे और जीत हासिल करवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से और 350 से ज़्यादा पार करके सीटों को लाएगी और विजय घोषित। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज आप तिरंगा रैली भी निकल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की तिरंगा रैली अमृत महोत्सव है, आज का 75वां अपनी आज़ादी का, तो इसी विषय में हमने ये यात्रा रखी है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी? ये यात्रा हमारे बस स्टैंड से रान घाटी तक के लिए होगी।